गाइज वेलकम बैक विद अ न्यू पार्ट। आपके सवाल मेरे जवाब पार्ट नंबर 7। और आज हमारे साथ है अविरल, इसमें भी एवीआई आता है, और अंकित राठौर एंड समर्थ देश पांडे। आपके सही नाम है अंकित राठौर एंड समर्थ देश पांडे। यस थैंक यू सर। हाँ तो कई बार क्या होता है ना यार, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो मतलब स्काइप पे या फिर जूम पे नाम चेंज रखते हैं अपना। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी एक बार नाम चेंज रखा था, तो कई बार किसी अलग नाम से आते हैं स्काइप पे या फिर जूम पे, है ना। इसलिए मैंने पूछा आपके यही नाम है आपके, अंकित राठौर एंड समर्थ देश पांडे एंड अविरल, राइट? यस अविरल जी नाम ओके अविरल ओके अविरल ओके यस। सो समर्थ कहाँ से आप अभी ड्राइव मतलब गाड़ी में बैठे हुए? मैं डोंबिवली से हूँ, मुंबई। अच्छा मुंबई में डोंबिवली से। हाँ डोंबिवली करके सिटी है। अच्छा मुंबई के अंदर सिटी है डोंबिवली करके। हाँ ठाणे डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा ठाणे ठाणे हाँ 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 ठीक है ओके मुंबई ठीक है। बहुत बार आया हूँ मैं। आप अंकित भाई आप कहाँ से है? सर मैं मध्य प्रदेश से हूँ, इटार से। आपने सुना होगा इटारसी के पास में बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से। सुना है मैंने सुना है। हाँ अविरल आप बताइए। अविरल आप बताइए। मैं राजस्थान। राजस्थान में कहाँ से? सर मैं आपको हिंट दो, आप गेस कर सकते हो। नागपुर। नो सर, आपका जो बर्थ प्लेस है वहां से। मेरा जो बर्थ प्लेस है वहां से है आप? तो यार दोस्त मेरा जो बर्थ प्लेस है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र है। मतलब मैं बर्थ औरंगाबाद में हुआ था। पर सर आप यहाँ पे थे, सर आप यहाँ पे थे, आप यहाँ पे कई साल रहे हैं। झुंझुनू से हो आप? यस सर। क्या बात है क्या बात है। मेरा मेरे को पहले से जानते हो क्या? ऐसा लग रहा है आपको सिमिलर साउंड कर रहा है। पहले से जानते हो क्या? स्टार्टिंग सर मैं स्टार्टिंग से आपके साथ जुड़ा हूँ। नहीं स्टार्टिंग से मतलब पर्सनली जानते हो आप मुझे? पर्सनली पर्सनली नहीं जानता सर, बायो में सुना था सर, तब पता चला। अच्छा 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 नहीं तभी मेरा बर्थ प्लेस मतलब जहां से मैं हूँ वो आपको पता है, तो मेरे को लगा क्या मतलब जानते होंगे। नहीं सर ऐसे नहीं था। अच्छा अच्छा सही है। काश जानता सर, थोड़ा मैं लेट हो गया। अरे उसमें क्या है यार, देखो अपना अपना यार एकदम फ्री रहता है दोस्त, मतलब अपना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी भी हूँ पुणे में, काफी लोग अपने आप आते रहते वो मेरा देख के गूगल पे से, और ऑटोमेटिकली आते ही रहते तो अपन मिलते रहते यार। अभी एक्चुअली क्या ना अपना चैनल इतना बड़ा नहीं हुआ कि मीटअप प्लान करे, अब इतनी बड़ी चीजें हो नहीं रही। अभी थोड़ा बहुत और सब्सक्राइबर होने दो, 2 लाख होने दो, मीटअप प्लान करते। अच्छा आवाज नहीं आ रही आपको? मैं कह रहा हूँ अभी अपना चैनल इतना बड़ा नहीं होना कि अभी मीटअप वगैरह प्लान करे, मतलब मजा नहीं आता। कम से कम मीटअप प्लान करे, 1-1.5 हजार लोग हो उनके साथ मीटअप करे, और अभी सेफ भी नहीं है कोरोना के। मैं पिछले साल भी प्लान किया था जब 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे कि एक मीटअप करते, लेकिन कर नहीं पाए थे क्योंकि वो पैंडमिक की वजह से, सिचुएशन की वजह से। अभी मुझे लग रहा है फिर से इतने सारे यूट्यूबर्स हैं उनको फॉलो करते हैं हम, तो उसमें मतलब जो मतलब लोगों के हिसाब से, एक आम ट्रेडर के हिसाब से जो सिग्नल्स हो चाहे जो अंडरस्टैंडिंग वाली बातें हो ना, उसमें आपकी बात सबसे सही लगती है। मैं करीब करीब सर मतलब मैं सच बता रहा हूँ, अभी मैंने 3 दिन पहले आपका एक वीडियो देखा जिसमें आपने कवर किया था $100 का लॉस कैसे क्या कवर करे वाली बात, और आप यकीन नहीं करोगे लास्ट नाइट ही मैंने $200 का लॉस किया था। तो मुझे मतलब बिल्कुल क्लियर हुआ, मतलब बिल्कुल क्लियर हुआ मुझे कि कैसे क्या मतलब क्या गलती हुई है मेरे से। इवन मैंने अभी दोबारा स्टार्ट किया तो अब मुझे क्लियर है। जैसे आज का जो सेशन था, मैं पूछूंगा आपसे सवाल, जब सवाल पूछने की बारी आई है तो क्लियर करेंगे आप चीज। नहीं बिल्कुल देखो पिछली जो वीडियो थी उसको सर्च नहीं किया मैंने, सिर्फ एक बार ट्रेडिंग लिखा था, आपका नाम आया सबसे ऊपर, एक वीडियो देखा, उसके बाद में मैंने किसी को सर्च ही नहीं किया। इतने अच्छे वीडियो लगे मतलब। अरे धन्यवाद दोस्त। नहीं एक्चुअली द थिंग इज कि वो रहता है ना कि आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे या किसी प्लेटफॉर्म पे सर्च करेंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस जो मैं खुद भी देखता हूँ जहाँ पे लिखा होता है 100% विनिंग, 100% विनिंग स्ट्रेटजी, ये वो प्रॉफिट एंड लॉस। मैं वही चीज मैं बस थोड़ा सा इस तरीके से लेके जाता हूँ कि 100% कुछ होता ही नहीं एक्चुअली।
सब पर्सन से पता चल जाता है, उसके वीडियो से पता चल जाता है कि वो पर्सन कैसा है, उसके एक वीडियो से पता लग जाता है, आप उसको जज कर सकते हैं कि ये पर्सन कैसा है, तो उसी से पता चल जाता है सर। यार धन्यवाद दोस्त, धन्यवाद। तो चलो अब सबसे पहले स्टार्ट करते यार देश पांडे भाई के साथ। यार मैंने नाम आपका सरनेम अच्छा है दोस्त। तो समर्थ भाई थैंक यू सर, बताइए पढ़ रहे क्या, स्टडी करते क्या? हाँ मैं अभी कॉलेज जाता हूँ, थर्ड ईयर बीए में हूँ। अच्छा 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 सही है, तो आप तो काफी छोटे हैं मुझसे। चलिए तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ फिर बताइए मतलब इफ आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं? हाँ सर मैं रोज ट्रेडिंग करता हूँ, मैं स्टार्टर टू एडवांस भी कल ही पहुंचा हूँ मैं, तो स्टार्टर से मैं फॉरेक्स में भी कभी। हाँ सर क्या बात है यार, वो भी कल ही लास्ट दिन था, मतलब 2 घंटा ही बाकी था लास्ट का, तो मैं एडवांस तो पहुंच गया, लेकिन अभी एडवांस टू एक्सपर्ट जाने का ना बहुत, मतलब 1,60,000 एक्सपी बोल रहे वो, तो ये एक्सपी कैसे बढ़ाने जल्दी? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये मतलब सबके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो भी व्यूअर्स है। देखो यार एक्सपी बढ़ाने के देखो बहुत सारे तरीके रहते हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि एक्सपी बढ़ाने के लिए आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा बहुत बड़ा बड़ा। नहीं, आपको डिपॉजिट नहीं करना, आपको डेली 2-3 चीजें करनी है। क्या? या तो आपको 1 या 2 ट्रेड लेनी है फॉरेक्स के अंदर, ठीक है? फॉरेक्स में ट्रेड लेने से ही एक्सपी बढ़ेगी, आप सिर्फ फिक्स टाइम ट्रेडिंग के साथ एक्सपी ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। फॉरेक्स में ट्रेड लो 1-2 और प्रॉफिट में क्लोज करो चाहे लॉस में क्लोज करो, आपको एक्सपी अच्छा मिलता है। दूसरा, आप फिक्स टाइम ट्रेडिंग के अंदर अलग अलग टाइम पीरियड और कुछ एक टास्क रहते हैं आपकी प्रोफाइल के अंदर, अगर आप देखेंगे प्रोफाइल सेक्शन में जाके तो कुछ एक टास्क रहते हैं, वो जैसे जैसे कंप्लीट करोगे तो एक्सपी बढ़ेगा। दूसरा तरीका बिल्कुल सिंपल है, बड़ा डिपॉजिट करके डायरेक्टली एक्सपी को बढ़ा दो, लेकिन वो प्रेफर नहीं करता हूं मैं, धीरे धीरे जाओ तो बेटर है, मतलब क्योंकि ज्यादा डिपॉजिट करके एक्सपी बढ़ा के वैसे क्या फायदा है। तो और एक्सपी बढ़ाने के लिए बार बार ओलिम ट्रेड एक इवेंट्स भी लेके आता रहता है, कुछ एक्सपी कंप्लीट इवेंट हो गया, जैसे थोड़े दिन पहले बिग बुल इवेंट लेके आया था, फिर सिल्वर बुल इवेंट लेके आया था, सॉरी बिग बुल नहीं सिल्वर बुल, सॉरी सिल्वर बुल इवेंट आया था, देन उससे पहले भी कुछ इवेंट्स आए थे, तो इवेंट से ही आप एक्सपी भी बढ़ा सकते हो और बहुत सारी चीजें मतलब हो सकती है। ओके सर, तो जो रेट ऑफ रिटर्न रहता है जैसे कई ट्रेडर्स हैं उनके इसमें 85-90 रहता है, तो वो एडवांस लेवल पे अचीव हो जाता है या फिर उसके लिए वो वीआईपी जो समर्थ कह रहे हैं वहां तक वो ही करना पड़ेगा तभी अचीव होगा? हाँ तो इसका आंसर समर्थ ही दे देंगे आपको क्योंकि ये ऑलरेडी एडवांस पे है। एडवांस पे समर्थ बताइए कि आपको 80-90% तक का प्रॉफिट रेशियो मिल रहा है रिटर्न? 90 नहीं 85 मिल रहा है, वो कोई तो आई थिंक 11 या 10 लेवल पे वो ऐसा एक है लेवल है उसमें मिला। बिल्कुल, तो एक्चुअली 8 लेवल तक, क्योंकि सर मैं भी पहुंच गया हूं 8 तक और अभी बस रिस्क फ्री ट्रेड और उस पे बस जाने का, 8 तक तो आ गया हूं मैं भी, तो 8 तक आ गए हैं। जैसे ही आप 10th तक आ जाएंगे 10th या 11th तक, तब आपको इतना रेशियो मिलने मतलब 85 तक मिल जाएगा। डिपेंड करता है, सारी करेंसी पेयर्स पे नहीं मिलेगा, कुछ करेंसी पेयर्स पे मिलेगा। और रिस्क फ्री ट्रेड्स की बात करते हैं वो एडवांस पे नहीं है, एडवांस पे वो उससे ऊपर वाले लेवल पे एक्सपर्ट पे, एडवांस पे समटाइम्स डिपेंड करता है वॉल्यूम ट्रेड है उसमें दो है शायद $5 की दो है उसमें $5 की है लेकिन बस $5 से क्या है, लेकिन मैं मतलब कह रहा हूँ $50-$100 का जो रिस्क ट्रेड है वो आपको एक्सपर्ट लेवल में मिलता है और बस वो वाला है। आप यार समझ, आप कुछ पूछ रहे थे अंकित सेशन के बारे में? हाँ सर मैं एक चीज पूछ रहा था, जैसे सपोज सर जैसे मैं आपको करीब करीब 1.5 महीना हो गया सर आपको फॉलो कर रहा हूँ मैं, और मैंने आपके रिजल्ट्स भी देखे थे, ऑसम रिजल्ट्स आपके। मैंने आपसे टेलीग्राम पे पूछा था सर कि वो एक दिन जो लॉस जाता है वो एक दिन का क्या करे, जैसे आज क्या हुआ, आज फर्स्ट डे ऐसा हुआ सर कि फर्स्ट टाइम मुझे पूरा फुल मतलब लॉस हुआ और मैंने $10 का ही लॉस किया टोटल। अब पॉइंट ये है सर, सपोज मेरे अकाउंट में $100 है, अब चाहे तो मैं उसको बढ़ा भी सकता हूँ, तो नेक्स्ट डे जैसे नो डाउट सर कि कल आपका प्रॉफिट में जाना है क्योंकि कंटिन्यू लॉस तो नहीं होता मैंने देखा है नॉर्मली, तो कल जब मुझे पता है कि सेशन प्रॉफिट में जाऊंगा तो क्या मुझे आज जो मैंने ट्रेड लिए पर ट्रेड उसको मुझे डबल करके करना चाहिए या फिर जो रेगुलर में चल रहा हूँ वही करने दी? कवर करने में भी मुझे 4 दिन लग जाएंगे, आप भी जानते हैं 3-4 दिन लग जाएंगे, तो सही डिसीजन क्या रहेगा एज अ ट्रेडर? ठीक है, इसके ऊपर चलो पहले मैं इसके ऊपर ही आता हूँ फिर अविरल आपके क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस चीज का आंसर आप देना चाहते हैं? सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट डे अपने रूल ब्रेक मत करें, डिसिप्लिन ब्रेक करें ही नहीं,
अगर लॉस है तो चलो 2 days में अपन वापस प्रॉफिट में आ जाएंगे उस लॉस को रिकवर करके, लेकिन अगर नेक्स्ट डे डबल अमाउंट में अगर आपको लॉस होता है तो अब सर फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा अपने पास। देखो मैं एक चीज काफी अच्छे से जान गया हूँ कि आप मेरे को काफी अच्छे से फॉलो कर रहे हो, मतलब मेरी चीजों को। तो यहाँ पे ना अंकित भाई, मैं सिंपल सी एक बात बताता हूँ। देखो आपने जैसा कि बोला कि आपने काफी बार देखा है कि कंटिन्यूअसली 2 दिन लॉस नहीं होता है ना, काफी बार मतलब देखा है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है यार। मतलब मैं खुद नहीं दे सकता हूँ। अगर गलती से हुआ, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ नहीं होगा, अगर गलती से हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसीलिए लालच करना ही नहीं अपने को। अब मैं बताता हूँ, आपने बोला 4 दिन लगेंगे आपको प्रॉफिट में वापस उस लॉस को प्रॉफिट में लेके आने में। ऑफ कोर्स लगेंगे, क्योंकि अपन लॉस करते हैं तो मार्टिनल स्टेप्स फॉलो करते हैं, लेकिन प्रॉफिट करते हैं तो मार्टिनल स्टेप्स फॉलो नहीं करते। तो आपको 4 दिन लगेंगे उसको प्रॉफिट में लेके आने के लिए। लेकिन ये देखो आप, मैंने आपको, मैं पिछली में आपने मेरी वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने क्या बोला था, आप प्रॉफिट जो कैलकुलेट करोगे मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करो, है ना। अगर आपके $100 मंथली आपने इन्वेस्ट किए, आज इन्वेस्ट किए, तो 1 महीने बाद उस $100 पे कितना प्रॉफिट ले रहे हो, ना कि डे बेसिस पे जज करो कि आज $100 है तो मेरे 90 हो गए। नहीं, आज 100 है तो अगर मेरे 90 हो गए तो अगले 4 दिन बाद वो फिर से 100 हो जाएंगे, और उसके 4 दिन बाद जो है वो 110 भी हो जाएंगे, 120 भी हो जाएंगे। फिर एक दिन लॉस होता है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, अभी अभी क्या जरूरत है अंकित यार, अभी आपको ना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने की जरूरत है। अभी ये नहीं कि आप प्रॉफिट लेके आओ, अभी सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस रखो कि आप एटलीस्ट प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहे हो लॉस को। अगर आपके किसी के भी अंदर, गाइस जो भी व्यूअर्स है, आपके अंदर अगर यार ये कॉन्फिडेंस आ गया ना कि आप लॉस को प्रॉफिट में लेके आ सकते हो, यानी कि आपको $10 का लॉस हुआ तो आप उसको कवर कर रहे हो अगले 4 दिन में, तो आपको ये हो गया कि चल मेरे को लॉस हुआ था लेकिन मैंने कवर कर लिया, तो उसके बाद आपकी ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली एक स्किल लेवल प्लस हो जाएगा। उसके बाद जब आपको नेक्स्ट टाइम लॉस होगा, नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर कभी भी लॉस होगा, तो फिर आप बड़ी ट्रेड्स भी ले सकते हो, आप में कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप बड़ी ट्रेड्स लेके उसको कवर कर लो। लेकिन स्टार्टिंग में ही आप उसको कवर करने की सोचेंगे, आप अगर अभी आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ ट्रेडिंग में, आप सोच रहे हो कि मैं बड़ी ट्रेड्स लेके उसको कवर कर लूं, तो उसके बाद जो लॉस हो गया ना, तो आप या तो ट्रेडिंग्स को गाली दोगे, भाई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सही नहीं है, मेरे को गाली दोगे, या फिर सोचोगे कि नहीं भाई खराब है छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हो इस चीज में, लेकिन करने के लिए सिंपल है, आपको उस अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि मैं प्रॉफिट, लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, अगर लॉस हो जाता है तो क्या करें, तो सबसे पहले उस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का कॉन्फिडेंस लेके आओ। छोटा लॉस है उसको प्रॉफिट में लेके आओ, तो आपको लगेगा कि चल यार मैंने लॉस किया था लेकिन मैं प्रॉफिट में आ गया। उसके बाद थोड़ा बड़ा लॉस होता है, आपको उसको धीरे धीरे करके प्रॉफिट में लेके आओ। अगर आप लॉस को प्रॉफिट में लेके आ सकते हो तो ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट कमा सकते हो, मतलब आप घर पे पैसा लेके जाओगे। लेकिन अगर आप लॉस को प्रॉफिट में नहीं लेके आ पा रहे, तो फिर आज प्रॉफिट ले लोगे आप। अंकित आपको अगर $10 का लॉस हुआ है, आप चाहो तो एक $20 की ट्रेड ले लो और उसको प्रॉफिट में लेके आ जाओ, मतलब अगर वो क्लोज होती है इन प्रॉफिट। लेकिन उससे आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा इंक्रीज, क्योंकि आज तो आप वो प्रॉफिट ले लोगे, लेकिन अब 4 महीने बाद, 4 महीने बहुत बड़ा बोल दिया मैंने, 1 महीने बाद, 1 महीने तक आप प्रॉफिट ले लोगे, 1 महीने बाद पूरी अमाउंट जीरो कर दोगे एक ही बार में, तो वो हो जाएगा। लेकिन एक महीना लगेगा ही नहीं, अगले दिन ही वो थिंकिंग चेंज हो जाएगी, अगले दिन अकाउंट बैलेंस जीरो पहुंच जाएगा। हाँ, मतलब मोस्टली ऐसा ही रहता। तो अविरल के साथ बहुत हुआ ऐसा लग रहा है। लॉस इतना नहीं हुआ, लेकिन एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। मैंने अभी मैंने सिर्फ ज्यादा लॉस नहीं किया, लिमिटेड ही लॉस है, लेकिन मैंने देखा बहुत है, क्योंकि मैं कम से कम 2 years से कनेक्टेड हूँ, तो मैंने बहुत देखा है। 2 साल भाई बहुत बड़ी बात है। 2 साल पहले तो मैं कुछ था भी नहीं, मतलब न तो सब्सक्राइबर थे ज्यादा अपने पास। सही यार, बहुत अच्छा लगा सुन के यार अविरल, और आप हो भी मेरे। तब मैं सोचा कि चलो अपने को, मेरे को मतलब ये प्लेटफॉर्म पसंद आया, मेरे को सोचा कि मेरे को इसमें अच्छा करना है, कुछ डिफरेंट करना है, तब मैंने इसी में कंटिन्यू रखा। सर मेरे माइंड में भी, जैसे मैं सर आपको बताऊं तो इससे पहले शेयर मार्केट के बारे में सुना था मैंने, और उसके बारे में भी ऐसा था कि यार लॉस ही करते, बेकार चीज है। 1.5 महीने पहले ऐसे इंस्टा पे देखा था मैंने ऐड, और फिर धीरे धीरे करके मैं सर्च करते गया। मैं यकीन नहीं मानोगे सर आप, मैंने अभी जॉब छोड़ी थी 2 दिन पहले, और मेरा जॉब ज्वाइन करने का चल रहा था, एक ऑफर भी है, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में ऐसा आ रहा है कि इसको मैं बहुत हद तक प्रायोरिटी दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सर कि आने वाले 1-2 साल में, 3 साल में ये चीज बहुत अच्छे लेवल पे सेट हो सकती है। लेकिन उसके लिए माइंडसेट कैसा किया जाए वो क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे आपने बताया था स्ट्रेटजीज जो होती है वो जरूरी नहीं है कि वो लाइफ टाइम काम आए,
विद द टाइम और डे बाय डे चेंज होते रहती है, तो वो चीज क्लियर नहीं होती सर, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स है जिससे हम सीख सकते हैं। तो कौन ऐसा नहीं है क्या कि तीन चार स्ट्रेटेजी सीख लिया और हो गया और उसी को फॉलो कर रहे हैं हमेशा, कि हर बार नया नया सीखते रहना पड़ेगा? देखो स्ट्रेटेजीज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। अगर एक स्ट्रेटजी को अगर आप सिर्फ एक घंटा देते हो तो उसमें काफी अच्छे काम कर अच्छा कर सकते हो उसमें आप। तो स्ट्रेटजी क्यों चेंज होती है बार बार? क्योंकि देखो आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को यूज करोगे, एक हफ्ते तक यूज किए आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है? उसके बाद जैसे ओलिम ट्रेड या कोई भी प्लेटफॉर्म्स है या कहीं भी, तो यार इनके एल्गोरिथम्स चेंज होते रहते हैं, काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स हो गया, या फिर मैं कहूँ कि ग्राफ हो गए, मतलब मार्केट चेंज होता रहता है। तो एक स्ट्रेटजी कोई भी एक ग्राफ एक ट्रेंड पे ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है, एक हफ्ते तक चलेगा, दो हफ्तों तक चलेगा, उसके बाद ट्रेंड चेंज होगा, वेरिएशन आएंगे, तो उस वेरिएशन को टैकल करने के लिए नई स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ती है। तो स्ट्रेटजी बताऊं कैसे यूज होती है, जैसे मैं क्या करता हूं पर्सनली, कोई भी जब भी मार्केट चेंज होता है तो अभी मैं एक स्ट्रेटजी लेके आ गया। अब लास्ट टाइम मैंने जो स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस की थी वो एक महीने पहले की थी, तो एक महीने के जो स्ट्रेटजी थी वो अच्छी चल रही थी, तो मुझे नई स्ट्रेटजी लाने की जरूरत नहीं थी। देन उसके बाद एक और मैं ऑक्सीलेटर स्ट्रेटजी लेके आया था, क्योंकि वहां पे वो अच्छी चल रही थी, मैं एक नई लेके आ गया था। फिर ऑक्सीलेटर भी काफी काम नहीं आई थी, दो हफ्ते हो गए मुझे उसको करे हुए। उसके बाद जब वो खत्म होने लग गया उसका असर, तो एक नई मैं लेके आ गया था, इचिमोको क्लाउड। तो उस तरीके से अब जैसे नई नई जो स्ट्रेटजी नए नए टेस्टेड करके वो मैं आपको बताता रहता हूँ, तो उस बेसिस पे आगे चलना रहता है। तो ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, एक बार स्ट्रेटजी देखो उसको यूज कर लो एंड दैट्स इट, है ना? और आपने जो प्रायोरिटी बेसिस की बात की, तो देखो इसको प्रायोरिटी एज अ पैशन दे दो, एज अ लाइक एज अ लाइक, लेकिन एक ऐसा नहीं कि जॉब ऑप्शन की जगह आप इसे ले रहे हो, ठीक है? लेकिन देखो आने वाले फ्यूचर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको पता है अभी आईपीएल देख रहे होंगे आप, हाँ आईपीएल, कौन आईपीएल तो देख, पहला मैच हुआ था आईपीएल का, तो हॉटस्टार पे अगर आपने देखा होगा तो हॉटस्टार पे एड्स क्या आ रहा था बीच में, जब भी एक ओवर कंप्लीट हो रहा था वहां पे बिटकॉइन कॉइन स्विच का एड आ रहा था, ट्रेड और स्विच। तो ट्रेडिंग अभी आपको पता है कि लास्ट टाइम भी एक बिल आया था, या फिर जो हमारे वित्त मंत्री है उन्होंने बोला था बिटकॉइन के बारे में कि इंडिया भी अपना कोई बिटकॉइन, इंडिया भी अपना एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है, कंफर्म न्यूज नहीं है बट ठीक है। तो उसके बाद बिटकॉइन के ट्रांजेक्शंस लिमिटेड हो जाएंगे, इवन दो बिटकॉइन के एड्स चल रहे हैं, मतलब एक नया लेवल, एक नई चीज आने वाली है। ऐसा मेरी एक ब्रोकर बुक कर लेना सपोर्ट में, सपोर्ट असिस्टेंस में, जॉब में। इसमें मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट है क्या, सपोज अगर अपन खुद की कोई ऐप लॉन्च करते हैं तो? 100% प्रॉफिट है, लेकिन झमेले बहुत है क्योंकि इंडिया में रेगुलेशन नहीं है ब्रोकर्स को, तो आपको ऐसी कंट्रीज में जाके रेगुलेशंस लेने पड़ते हैं, जैसे साइप्रस हो गया, इंडोनेशिया, ब्राजील, वहां से रेगुलेशंस लेके आओ फिर यहाँ पे चलाओ, तो ऐसे सीन रहता है। तो इसलिए पंगे बहुत रहते हैं ब्रोकर्स के साथ, लेकिन ऐसा है कि अभी और पैसे भी बहुत लगते हैं, मतलब सोच भी नहीं सकते इतने पैसे खर्च होते हैं। तो ट्रेडिंग में क्या इम्पोर्टेंट है, आप किसे प्रायोरिटी देंगे, कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर डिसिप्लिन ज्यादा होना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करता हूँ, यार क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं डिप्लोमेटिक आंसर देने की सोच रहा था लेकिन अब क्लियरली बोलता हूँ। तो ट्रेडिंग में डिसिप्लिन तो देखो जरूरी है, लेकिन मेरे हिसाब से पर्सनल लेवल पे मुझे लगता है एक्सपीरियंस की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आएगा। तो एक्सपीरियंस ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था 2-3 साल पहले, तो मेरे पास भी यही चीज की प्रॉब्लम थी, एक्सपीरियंस नहीं था, चीजें नहीं थी। तो उसके बाद जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता रहा तो सारी चीजें डिसिप्लिन भी ऑटोमेटिकली आता रहा। तो एक्सपीरियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन से, आप डिसिप्लिन हो भी रहे हो तो भी ठीक है, 2-3 महीने, लेकिन आपका आप फिर भी अगर आप उस चीज को लेके चलते हो, कंटिन्यूअसली कन्वर्ट करते हो एक्सपीरियंस के अंदर, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा मेरे हिसाब से। देखो अलग अलग ओपिनियन रहते हैं हर किसी के इस पॉइंट ऑफ व्यू सब्जेक्टिव। आपने कितनी अमाउंट से स्टार्ट किया था और कितना लॉस किया? मैंने यार $10 से स्टार्ट किया था, $10 से, एंड मैंने अपनी मतलब फिर लॉस कर दी थी, फिर एक सैलरी थी मेरी, जॉब करता था मैं, वो सैलरी चली गई थी मेरी, देन मैंने छोड़ दी थी सारी चीजें। मैंने 3 महीने तक बैठ गया था मैं ये चीज पे रिसर्च करने के लिए कि क्या कर सकते हैं इसमें अपन बेटर, तो 3 महीने लगे थे। देन मुझे समझ आई चीजें कि ऐसे अपन यहाँ से पैसे कमा सकते हैं, तो फिर मेरे को लगा कि आप लोगों को भी बताना चाहिए, यूट्यूब पे वीडियो डाली, देन लोगों को पसंद आई तो फिर चल गया काम, ऐसा हुआ था। सर इज इट रिस्की टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर? मतलब कुछ लोग कहते हैं कि रिस्की काम, अकाउंट एकदम से खाली भी हो सकता है। देखो नहीं, रिस्की तब तक नहीं है जब तक आप डिसिप्लिन से रहोगे, जैसे अविराल ने बोला
अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आप कैसे रिस्क किया? अब देखो मैंने आप आपको भी पता है आपके पास अगर $100 है आपने सिर्फ $10 का लॉस किया, अब $10 का लॉस $100 पे यानी कि आपके पास 100 रुपए है, डॉलर छोड़ दो, 100 रुपए पे अगर आप 10 रुपए कर देते हो है ना, आपके 10 रुपए गए मान के चलो, तो भी आप नेक्स्ट डे आपके पास 90 रुपए है उस 10 रुपए को कवर करने के लिए, तो वो पॉसिबल है। लेकिन कोई रिस्की उस टर्म्स में आ जाता है जब आप 100 रुपीज है और आप 50 का लॉस कर देते हो पहले ही दिन, उसमें मतलब आप पे डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि वो किस लेवल आप कैसे ट्रेड करते हैं। अगर आप अच्छे से ट्रेड करेंगे तो आपके लिए रिस्की नहीं है, अदरवाइज जो अच्छे से ट्रेड नहीं करते उनके लिए रिस्की है। और मैं बता देता हूँ 100 में से 80 100 में से 80 लोग अच्छे से ट्रेड नहीं करते क्योंकि सबको, क्योंकि एक्चुअली जब आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको इंस्टेंटली 80% रिटर्न मिल रहा है, सो 10 रुपए लगाओ 18 रुपए मिल रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे ना, फिर वो गैम्बलिंग की तरह ले लेते हैं कि भाई अगर मैं 10 रुपए लगाऊंगा तो मैं आज 18 क्यों, मैं उसके 100 भी बना सकता हूँ, 10 के 100 है ना, तो वो वाली बात आ जाती है, उस सिचुएशन में वो गैम्बलिंग की तरह कन्वर्ट हो जाता है और वहां पे रिस्की हो जाता है फुल टाइम। इट्स नॉट लाइक डिफिकल्ट आपके लिए, लेकिन उसके लिए आपको ना रूल्स से चलना पड़ेगा। पहला रूल है कि आपको अपना वॉलेट को वेरीफाई करो, ब्रोकर को अच्छे से रखो, ज्यादा मोबाइल्स में लॉग इन मत करो, सेफ्टी रखो ताकि आगे चल के अगर आप उसको फुल टाइम ले रहे हो तो किसी भी रीजन की वजह से आपका अकाउंट को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मतलब ई वॉलेट्स का यूज करो विड्रॉ लेते टाइम, है ना, अच्छे से, मतलब बस कहने का ये मतलब है कि अपने अपनी तरफ से अपन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अपनी तरफ से, और वीक में 1-2 विड्रॉ लो, ऐसा नहीं कि हर दिन विड्रॉ चल रहे हैं आपके, ठीक है, ऐसा भी नहीं, ऐसा चल धीरे धीरे करते रहो तो कोई रिस्क नहीं है ऐसा, मतलब है ना। जैसे अपने स्क्रील को लेके आपने बताया था काफी कि स्क्रील यूज करना चाहिए, तो जैसे मैं जो है मैं फोन पे यूज करता हूँ, जैसे आने वाले टाइम में अगर $1000 भी डिपॉजिट करता हूँ मेरे माइंड में यही है कि फोन पे यूज करूंगा, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या सर कि वो यूपीआई डिपॉजिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है? डिपॉजिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आती है विड्रॉ में। देखो अब आप 100 $100 अब $1000 डिपॉजिट कर रहे हो आप फोन पे के थ्रू, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप अगर $110 का प्रॉफिट कर ले, सॉरी $1100 का प्रॉफिट करे तो $1100 का, ठीक है, तो आपकी आप फोन पे में सिर्फ $1000 ही विड्रॉ ले पाओगे, बाकी के जो $100 है यानी कि जो प्रॉफिट है वो आप ई वॉलेट्स में ही ले पाओगे विड्रॉ, ये है सिचुएशन, ठीक है। तो ई वॉलेट्स में विड्रॉ तभी आप ले पाओगे, और ई वॉलेट्स में आपको आपको प्रॉफिट लेना है तो सिर्फ ई वॉलेट्स ही आप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जो पेमेंट्स आती हैं ये रिफंड फॉर्म में आती हैं आपके पास, रिफंड, ठीक है। जैसे आपने अगर $1000 दिए ऑलिमिटेड को तो आपको 1000 ही रिटर्न कर पाएगा, ठीक है, वो आपको 100 रिटर्न नहीं करेगा, जो प्रॉफिट है उसको रिटर्न करने के लिए वो बोल देगा कि यूज ई वॉलेट्स, और ई वॉलेट्स में बहुत आप उसको अगर ई वॉलेट्स को वेरीफाई कर लेते हो, वेरीफाई नहीं एड्रेस डाल के और आपका जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल या कुछ भी करके उसको एक बार वेरीफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपकी लिमिट बहुत बढ़ जाती है, और विदाउट लिमिट उसमें शायद स्क्रीन में 10,000 की थी पहले, आप पता नहीं कितने की है, 10,000 रुपए की थी, अब शायद बढ़ गया होगा, तो ऐसा। सामर्थ्य आप बोलो यार, काफी टाइम से आप शांत बैठे हो गाड़ी के अंदर। हाँ सर, वो आपके सिग्नल ग्रुप के रिलेटेड डाउट था कि आज आपको दो से तीन ये ओटीएम हुआ, लेकिन मेरे को आईटीएम सिग्नल आया, तीनों मैं सभी ट्रेड जीता। हाँ नहीं, लास्ट का मैं हार गया, जब आपने वो डाला था ना कि गाइस आई एम फॉलोइंग मार्टिंगल स्टेप, वो वाला मैं हार गया, लेकिन बाकी मैं एक एक पिप से जीता, ठीक है। तो इसका ये डाउट आप खुद ही क्लियर कर लो ना, मेरा जो मैं स्क्रीनशॉट जो शेयर करता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट में देखोगे सबसे नीचे नीचे टाइमिंग आती है कि कितने टाइम पे मैंने ट्रेड लगाई है, ठीक है। अब आप देखो मैंने 4 सेकंड डिले लगाया था, तो बस फिर आपके आपका खुद का क्वेश्चन का आंसर आपने खुद ही दे दिया, 4 सेकंड डिले लगा, 4 सेकंड का मतलब समझते हो, 1 2 3 4 यहाँ पे तो ग्राफ पता नहीं कहाँ पे चला जाएगा इतने में, तो इसलिए मेरा वो आईटीएम हुआ। हाँ तो बस यही है, समटाइम्स क्या होता है ना कि डिले की वजह से लोग प्रॉफिट कर जाते हैं, समटाइम्स डिले की वजह से लॉस कर जाते हैं, यही होता है यार। लेकिन अब मैंने जहां तक देखा है ना, टेलीग्राम से बेस्ट कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला मुझे जहां पे मैं सिग्नल्स दे सकूं, व्हाट्सअप हो गया या बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, यहाँ पे भी डिले ज्यादा रहता है कंपैरेटिवली टेलीग्राम, टेलीग्राम पे सबसे कम डिले अभी तक दिखे हैं मुझे। इसका एक सॉल्यूशन और मैंने ढूंढा है, वो मैं लेके वो है उसके लिए, वो सॉल्यूशन भी मैं लेके आ सकता हूँ, अभी पूछूंगा सारे यूजर्स से पोल करा के। एक्चुअली उसमें क्या है कि मैं ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि किस प्राइस रेंज पे आपको
ट्रेड लगानी है और कितने मिनट की लगानी है, यानी कि मैं मॉर्निंग में आपको बता दूंगा कि आफ्टरनून में आपको कितनी प्राइस रेंज पे ट्रेड लगानी है। लेकिन उसमें क्या होगा ना, लोगों को काफी लोगों को समझ नहीं आएगा कि प्राइस रेंज कैसे देखते हैं और कैसे ट्रेड लगाएंगे। कंफ्यूजन वाला वो अच्छा नहीं होगा सर, ये सिग्नल वाला ये बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होगा कि उस प्राइस रेंज वाले में क्या होगा कि एक सेकंड का भी डिले नहीं हो सकता। मैंने बोला कि 1.80012 पे आपको ट्रेड लगानी है तो उसी पे ही आप ट्रेड लगा, मतलब कहने का मतलब है उसमें डिलेज चले जाएंगे लेकिन उसमें ये हो जाएगा कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, समझने में लोगों को समझाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। सर वो फ्री टाइम भी नहीं मिलेगा सर, उसके बाद में फ्री टाइम नहीं मिलेगा। आप सिग्नल देते हो जैसे आपका फिक्स टाइमिंग है, आप उसी टाइम पे देते हो, लेकिन सर वो प्राइस रेंज तो कभी भी हिट कर सकता है 24 आवर्स। कभी भी नहीं, एग्जैक्टली अविरल सुन रहे हो मेरी बात? तो देखा, हाँ सुन रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कभी भी नहीं बताऊंगा मैं वो चीज। देखो ऑलिम ट्रेड के अंदर एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे आप ट्रेड फिक्स कर सकते हो कि इस प्राइस रेंज को जैसे ही हिट करेगा ऑटोमेटिकली ट्रेड प्लेस हो जाएगी, ऐसा भी ऑप्शन है वहां पे। तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी प्राइस रेंज बता दूंगा, वहां पे आप सेट करके रखो कि इस प्राइस रेंज जैसे ही प्राइस रेंज हिट किया आपकी 2 मिनट के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन क्लॉक के वहां पर सेटिंग करने का रहता है, कोट रहता है शायद वो, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो चीज पॉसिबल है। हाँ 3 महीने रिसर्च की सीखा फिर हमें सिखा रहे हो, तो आप हमारे एज ए टीचर हो गए, तो आपने किससे सीखा, मतलब खुद ही रिसर्च किया फिर आपका भी कोई गाइडेंस वगैरह कुछ था या फिर आपने खुद ही रिसर्च? मेरा कोई गाइडेंस गुडेंस कुछ नहीं था। यही तो सस्पेंस ही है यार, मेरा कोई गाइडेंस नहीं था। कुछ कोई भी ऐसा नहीं था कि जिससे मैंने सीखा हो, जबकि यहां तक मैंने ऐसा देखा है कि जब से मैं वीडियो अपलोड करने लगा हूँ YouTube के ऊपर, काफी सारे लोग मेरी जैसी वीडियोस बनाने लग गए। सेम जैसे मैं किसी भी टॉपिक पे बनाता हूँ वीडियो, हर दूसरे तीसरे दिन बाद वही वीडियो मेरे को कहीं और चैनल पे दिखती है सेम टॉपिक से डिफरेंट वर्ड्स में। लेकिन मैंने किसी से नहीं सीखा एक्चुअली, मैं तो किसी की वीडियोज भी नहीं देखता हूँ, ना देखे थे शुरू में। आपने ट्राई नहीं किया क्या यूट्यूब पे सर्च नहीं किया क्या कि भाई कोई अपने को सिखा सके या कोई सिखा रहा है? नहीं 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 दोस्त, मैंने आज तो मैंने हुआ क्या था, जब मुझे पहली बार लॉस हुआ था तो मैंने ये तरीका ढूंढने की कोशिश की थी कि लॉस मुझे हुआ क्यों था, ठीक है। फिर मेरे को 3 महीने लगे ये चीज फाइंड आउट करने में कि क्या क्या चीजें होती है, और जब मैंने ये चीजें फाइंड आउट की थी ना तब मैंने यूट्यूब की जरूर हेल्प ली थी, लेकिन वो भी मेरे को याद नहीं मैंने कौन से चैनल्स देखे थे क्या देखे थे। तब मैंने देखा था कि कैसे आप लॉस कर सकते हो कैसे क्या, लेकिन वहां से मुझे कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिला था। मैंने खुद ट्राई किया, ओलिम के ब्लॉग्स पढ़े थे, बायनमो के ब्लॉग्स पढ़े थे, यहाँ पे ये जो ट्रेड्स ले लेके देखे थे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे डिफरेंट स्ट्रेटजी से, तब जाके चीजें समझ आई थी कि आप इस तरीके से लॉस कर रहे हो। फिर वीडियोज बनाई कि मैंने कि इस तरीके से लॉस होता है प्रॉफिट होता है, तो फिर आगे आने वाले टाइम में अपने आप समझ आने लग गया कि अब लोगों को कमेंट सेक्शन में लोग पूछते थे कि इस चीज की वीडियो बनाओ देन इस चीज की वीडियो बनाओ, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें होने लग गई कि भाई ये जरूरी है इस टाइम पे इस चीज की वीडियो जरूरी है। देन फिर ओलिम से कनेक्शन हुआ, देन अब आज एक ओलिम का प्रोमो कोड भी लेके आएंगे, लेकिन ये वीडियो तो मैं परसों अपलोड करूंगा खैर कल या परसों, तो आज अनलिमिटेड का एक प्रोमो कोड भी शायद मैं अपलोड कर दूं इवनिंग में 50% बोनस का, 50% बोनस फॉर ऑल यूजर्स। सर तो कोई स्ट्रेटजी जैसे जब आप टेस्ट करते हैं तो उसको आप कितने दिन तक टेस्ट करते हैं, मतलब कब आपको लगता है कि नहीं यार अब परफेक्ट हो गया तो इसको अप्लाई कर सकते हैं रियल अकाउंट में? देखो स्ट्रेटजी में 3 बार टेस्ट करता हूँ, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। पहला जब वोलेटाइल मार्केट रहता है, ठीक है, जब मार्केट ओपन होता है और क्लोज होता है दैट टाइम, और एक जब स्टेबल मार्केट रहता है, ठीक है, जब यूरोप मतलब यूरोप, एक मैंने वीडियो अपलोड की है कि द ट्रेडिंग सेशन या बेस्ट टाइम टू ट्रेड, वो आप देखना, उसमें मैंने बताया है कि सेशंस होते हैं ट्रेडिंग के अलग अलग, है ना, तो उस जब सेशन में मैं चेक करता हूँ तभी आप स्टार्ट करते हैं। हाँ तो वो जो है सेशंस, जो सेशंस है उन सेशंस में मैं ट्राई करता हूँ। एक जब वॉलेटाइल और स्टेबल मार्केट की बीच की सिचुएशन होती है, समटाइम्स वॉलेटाइल समटाइम्स लाइक स्टेबल दैट टाइम, तो 3 बार चेक कर लिया देन परफेक्ट। उसमें रियल अकाउंट से टेस्ट करता हूं मैं, क्योंकि डेमो अकाउंट से किया तो फिर फायदा नहीं, मतलब वो फील नहीं आता रियल वाला, तो रियल अकाउंट से चेक करके देन अगर वो जमता है देन मैं कर देता हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि जम नहीं रही है तो फिर चेंज करो, वैल्यूज चेंज करो, इंडिकेटर्स ऐड करो कोई और जो परफेक्ट चल रहा है उस टाइम पे, क्योंकि इंडिकेटर्स बहुत है भरमार है। अभी आने वाले टाइम में पन जो इंडिकेटर्स हैं MT4 वाले, वो फ्री में मैं देने वाला हूँ सबको, बहुत सारे इंडिकेटर्स, मतलब एक ट्यूटोरियल टाइप
कि हर एक इंडिकेटर पे एक वीडियो बना के देन इसको यूज कैसे कर सकते हैं, ताकि उसमें भी काफी हेल्प मिल जाएगी। कोशिश करूंगा नॉन रिपेंट सारे इंडिकेटर्स लेके आऊँ, रिपेंट वाले नहीं लेके आऊँ, तो बहुत हेल्प हो जाएगी सारे लोगों की। तो ये भी करेंगे अभी थोड़ा टाइम में। और सर आप शेयर मार्केट में भी वर्क करते हो क्या? नहीं यार, एक्चुअली अभी मैंने फोकस यहीं पे दिया हुआ है। शेयर मार्केट में भी कर सकता हूँ, काफी ऑफर्स है मेरे पास शेयर मार्केट में, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, बट अभी स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो नहीं भूलना चाहता मैं। जब स्टार्ट किया था मैंने ये ओलिम के साथ या बायनमो के साथ, तो उस टाइम पे मेरा एक टारगेट था कि धीरे धीरे करके चीजों को इजी करना है इंडियन यूजर्स के लिए। अब अगर मैं स्टॉक मार्केट में गया तो एक खिचड़ी बन जाएगी, यहाँ भी चीजें नहीं इजी कर पाऊंगा, वहां भी नहीं इजी कर पाऊंगा, तो मजा नहीं आएगा। अभी यहाँ पे इजी करने के लिए पहले क्या क्या प्रॉब्लम हुआ करती थी, अगर आपको याद हो तो आज से 6-7 महीने पहले इंडिया ओलिम ट्रेड के अंदर यूपीआई मेथड नहीं था, पेमेंट मेथड में नेट बैंकिंग नहीं था, है ना, कोई भी पेमेंट सॉल्यूशन में कोई भी चीज नहीं थी, पेटीएम नहीं था। बट ये चीज प्रपोजल से आई है, बहुत मुश्किल से आई है। ऑफकोर्स मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ मैंने लेके आई है, लेकिन बहुत लोगों की हेल्प लगी और बहुत टाइम लगा इस चीज को लाने में, ठीक है। तो ये चीज आई, उसके बाद ये पेमेंट्स में प्रॉब्लम होती थी, कई बार डिले हो जाता था बैंक्स की तरफ से, तो उस चीज को सॉल्यूशन करा धीरे धीरे करके, एक एक चीज को सॉल्व करने की कोशिश की, फिर सपोर्ट पे की बात करके लोगों से सॉल्व करने की। तो उसमें अभी उसी लेवल पे जा रहा हूँ मैं, सोच रहा हूँ कि थोड़ा और आसान कर दे चीजों को। उसके बाद एक बार जब ये हो गया कि ये ब्रोकर ठीक हो गया, जैसे भी फॉरेक्स में मैंने चीजें कोशिश की लेके आने की, मेरे पास काफी ऑफर्स भी आए, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ किसी के साथ काम फॉरेक्स में। तो सर आप जो ये स्ट्रेटेजी ट्राई करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो आप सर आपकी पूरी टीम है या फिर आप हैं, आपके फ्रेंड्स, या फिर आप अलोन काम करते हैं उस चीज पे पर्टिकुलर पे? नहीं देखिए यार, स्ट्रेटेजी जो बनाता हूँ मैंने, पहले बिल्कुल अलोन काम करता था, उसके बाद मैंने जो है एक टीम भी बनाया मैंने हेल्प करने के लिए, बट टीम के जो रिजल्ट्स हैं वो काफी पुअर थे, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला नहीं, बस की बात नहीं है भाई, मैं अकेला ही करूंगा। तो फिर मैंने वापस अकेले स्टार्ट कर दिया। टीम मतलब 2-3 लोग को बोला था कुछ करने के लिए, हेल्प करने के लिए रखा था, लेकिन कुछ काम नहीं आया। देन आई स्टार्टेड अगेन, स्टार्टेड वर्किंग अलोन, मैंने वो उसी में ही ठीक है भाई, उससे ही ज्यादा सही मिल रहे रिजल्ट्स किसी और से, क्योंकि यार इस फील्ड के बारे में लोगों को समझाना, फिर बताना, उसके बाद वो लोग करें, बहुत टाइम लग जाता है। मतलब ज्यादा लोगों को पता नहीं रहता है, क्योंकि आपको अगर एक फोटोग्राफर चाहिए तो आप जाएंगे किसी उस पे, आप naukri.com पे जाएंगे, वहां पे ऐड डाल देंगे मुझे फोटोग्राफर चाहिए, तो आपके पास बहुत सारे रिज्यूमेस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मुझे ऐसा भी बंदा चाहिए जो स्ट्रेटजी बनाए, ऐसा भी बंदा चाहिए जो ट्रेडिंग आती हो जिसको, तो वो चीज नहीं आ पाती ना, वो चीज ऐसे एजुकेटेड इतने मतलब इस लेवल पे, इस बेस पे कोई नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए खुद ही ठीक है भाई, यहाँ पे कोशिश की थी बस उसके लिए। हाँ सीखो बिल्कुल यार सर, हो सकता है। सर मेरी एज भी नहीं हुई, मैंने अंडर एज से बहुत पहले से स्टार्ट भी कर दिया, अब मेरे पास सब कुछ है, बस स्टार्ट ही नहीं किया रियल में थोड़ा बहुत लॉस किया, फिर उसको रिकवर किया है। चलो ये तो अच्छी बात है, हमने रिकवर कर लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तो रिकवर भी नहीं कर पाया शुरू में, बिना एक्सपीरियंस, और मैं स्टार्ट करूं अभी, मेरे को और मतलब मैं सोच रहा हूं कि मेरे को और टाइम देना चाहिए, तब मैं खुद गुड अमाउंट से स्टार्ट करना चाहता हूं, ताकि फिर मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से मैं वो प्रॉब्लम फेस नहीं करूँ लॉस वाली या फिर कोई दिक्कत हो। मैंने भी यही था यार कि जब लॉस वगैरह कर लिया था, जब चीजें सीखी थी, तो मैंने $500 डिपॉजिट किए थे, लास्ट ट्राई मार के देखते हैं, फिर उसको 2000 तक लेके चला गया था, वो धीरे धीरे कर करके फिर समझ में ऐसे करके अपन प्रॉफिट ले सकते हैं, मतलब ऐसा कर सकते हैं धीरे धीरे। तो वही आप हो जाता है, चीजें सारी धीरे धीरे हो जाती है, बट इसको एज अ लाइक मतलब ऐसे लेके चलते हैं ना अच्छी तरीके से स्लोली, तब चीजें सही होती है, क्योंकि ब्रोकर्स भी आपसे ही मतलब बैठे हुए यार, वो भी पैसे कमाएंगे, है ना, ऐसा थोड़ी ना कि आपको पैसे देते ही रहेंगे वो। तो यहाँ गेम जैसी मेंटेलिटी चेंज होगी आपकी गैम्बलिंग में आती है, वही चीजें खत्म हो जाती है सारी। जब तक मेंटेलिटी रहती है एज अ रिटर्न ऑप्शन, तो तब तक ठीक रहता है, मेंटेलिटी जैसी चेंज हुई चीजें खत्म, ऐसा रहता है। सर आप जो ये ट्रेडिंग वगैरह है, तो यूरो यूएसडी जैसे एक करेंसी है, तो ये करेंसी की प्राइस के हिसाब से ये चेंज होती है, उस पे ग्राफ चलता है क्या ये सर? नहीं एक्चुअली आपने यार, मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, लेकिन फिर भी एक्चुअली देखो क्या होता है ना, आपने गोल्ड मार्केट के बारे में सुना है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड का जो गोल्ड मार्केट है,
ठीक है, तो गोल्ड मार्केट पे जब आपको ट्रेड लेनी होती है ना, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए ट्रेड लेने के लिए, रियल मार्केट में ट्रेड लेने के लिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, इतने अमाउंट चाहिए आपको सिर्फ एक ट्रेड प्लेस करने के लिए वहां पे। तो उन्होंने क्या किया ना, कुछ ब्रोकर्स ने, कुछ बंदों ने दिमाग लगाया कि चलो लोग इतनी बड़ी ट्रेड्स तो नहीं ले सकते, लेकिन हम एक काम करते हैं उसी मार्केट की एक इमेज, यानी कि इमेज का मतलब जैसे मिरर सामने रख दिया, उसी मार्केट की एक इमेज को हम एक ऐप में कन्वर्ट करते हैं और उस ऐप से लोगों को बोलते हैं कि ट्रेड लो, ठीक है, और यहाँ पे लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हो $10 के साथ, यानी ₹700 के साथ, बहुत ही छोटे अमाउंट के साथ। तो इस तरीके से वो जो मार्केट है ना जहाँ पे चलता है, वो रियल मार्केट की एक इमेज होती है, मतलब रियल मार्केट भी वैसा ही है, ऐसा समझ लो कि वही चल रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप कम में ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, ऐसा रहता है सीन। ओके, बाकी विरल बाद में, अपने पास सिर्फ अभी 1 मिनट बचा है, समझ दिया राजा, बहुत चुप चुप दिख रहे हो। मेरे को और क्वेश्चन पूछने थे लेकिन सर टाइम नहीं है, तो एक काम करो ना, आपको और भी पूछने थे तो एक काम करो, ये एक वीक के अंदर 2 वीडियोस तो मैं लेके आऊंगा ये वाली, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में भी रख लेता मैं, नेक्स्ट वीडियो में भी आ जाना आप। ओके सर, थैंक यू सर। ओके आप, ओके 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 गाइस, थैंक यू सो मच यार, बहुत मजा लगा, मजा आया, आप लोगों ने टाइम दिया और इतनी सारी बातें भी, मुझे बहुत अच्छा लगता है सबसे बात करके, जुड़ के सबसे, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सामर्थ्य, थैंक यू अंकित भाई राठौड़, थैंक यू अंकित राठौड़, राजस्थान से हो क्या? नहीं सर, तो आप मध्य प्रदेश से हो? अच्छा अच्छा, हाँ। सही है सही है, ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच, मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ इन फ्यूचर।